सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप देखोगे ये टॉपिक तो फिजिकल केमिस्ट्री में कवर करते इस टॉपिक को हम लोग। और इंटरेस्टिंग क्यों है कि इसमें कैलकुलेशन जो भी है बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करते हम लोग, कम फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इससे अच्छा आपको कोई टॉपिक नहीं लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा टॉपिक पढ़ने में। इसको मैं अलग अलग टॉपिक से भी रिलेट करूँगा, मैं आपको अलग अलग कैसे हम लोग इसको केमिकल काइनेटिक्स को कैसे दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, सभी टॉपिक कनेक्ट करके बताऊँगा मैं क्यों ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे टेक्निक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम लोग सब कुछ डील करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में देखें तो द नेम इज़ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम क्या जानना जरूरी होता है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, आखिरकार ये टॉपिक पढ़ के क्या फ़ायदा मिलेगा। दो, हमेशा जब भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं तो अपना दो डायमेंशन होता है सोचने का। एक तो मार्क्स, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा, व्हाट इज द अप्लीकेशन ऑफ दिस, क्यों ज़रूरी है काइनेटिक्स, अगर हम लोग नहीं जाने तो कहाँ पे लैग करेंगे केमिस्ट्री में। तो विल स्टार्ट विद दैट, थोड़ा सा मार्क्स तो बाद में आएंगी, पहले देखते हैं व्हाट इज द अप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। सो विल स्टार्ट, जैसे मान लीजिए आप कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, H2+O2 टू गिव H2O। मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है और हम लोग इसको स्टडी करना है, इस रिएक्शन को अपने को स्टडी करना है। तो स्टडी करने में सबसे पहला अपने को, आप बताइए क्या इम्पोर्टेंट होगा और क्या जानना चाहोगे आप इस रिएक्शन के बारे में। थोड़ा देर सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं बोला कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, क्या इतना बोलना इस रिएक्शन के लिए सफिशियंट होगा या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। देखिए, जब भी हम लोग कोई रिएक्शंस देखते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए कि क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बिकॉज थियोरेटिकली तो हम लोगों ने लिख दिया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बट प्रैक्टिकली क्या लैब में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो विल टॉक, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग रिएक्शन के बारे में जानते हैं दैट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को डील करने के लिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक। इस टॉपिक को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ टाइम के बाद बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम आएगा जितना फास्ट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही फास्ट बी से ए में कन्वर्ट, इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो ये जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बार रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो ना रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा ना प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज वी डिस्कस एंड वी मस्ट नो अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और इस रिएक्शन और एक दूसरा रिएक्शन है पी से क्यू में कन्वर्ट हो रहा है।
दोनों रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि ए से बी वाला जो रिएक्शन है ये 1 ईयर में हो रहा है, दैट इज़ इन 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, और पी से क्यू हो रहा है 5 मिनट में हो रहा है, बट क्यू जो है अनस्टेबल है, क्यू अनस्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए से बी में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो 1 साल लग रहा है, सो केमिकल काइनेटिक्स बोलेगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स बोलेगा कि दिस इज़ नॉट ए रिएक्शन, बट वेयर एज थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलेगा, यस दिस इज़ ए रिएक्शन। बट पी से क्यू में काइनेटिक्स बिकॉज 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो पी से क्यू में थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलेगा कि ये रिएक्शन नहीं है बिकॉज क्यू इज़ नॉट स्टेबल, बट केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलेगा ये रिएक्शन है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स। एक और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, थर्मोडाइनमिक्स अभी तक हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बट थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग जनरली क्या डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन जो है इनिशियल से फाइनल स्टेज में गया, हुआ या नहीं हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन किस पाथ को फॉलो किया, कैसे गया, ये सब चीज़ थर्मोडाइनमिक्स में डिस्कस नहीं करते। बट आप अगर देखोगे, अगर हम लोग ऐसे रियल में अगर देखना चाहे तो अपने को ज़रूरी होती है कि रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो किया। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक बोलते SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दोनों वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 SN2। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर SN1 एंड SN2 में सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल देखे, तो क्या आप रिएक्शन और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को रिलेट कर पाओगे? बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज SN1 में जब हम लोग बात करते हैं, जब तक अपने को पाथ पता नहीं होगा कि आखिरकार आया, जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पे SN2 में कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो यहाँ से रिएक्शन रीअरेंजमेंट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी ना होकर टर्शरी प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जब तक। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कि जब तक आप पाथ के बारे में पता नहीं है कि रिएक्शन किस तरह से जा रहा है, हम लोग ओवरऑल रिएक्शन के बारे में कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए अपने को ज़रूरत है कि हम लोग रिएक्शन के रेट को भी जाने। अब देखिए, तो अब अपने को एक बेसिक आइडिया क्लियर है कि रिएक्शन के बारे में अपने को क्या चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो अपना टॉपिक है, इसका मीनिंग क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो एक तो टेक्निकल डिफिनीशन हम लोग यूज़ करेंगे। टेक्निकल डिफिनीशन क्या है कि दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ रेट एट व्हिच केमिकल रिएक्शन अकर्स। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ रेट एट व्हिच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और अकर्स एंड एक फर्स्ट पॉइंट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो हो गया फॉर्मल डिफिनीशन। अब हम लोग समझें क्या मीनिंग है केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है, और हम लोग पढ़ते एक तो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं रेट, और रेट दैट्स वाई द नेम इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्पीड, और स्पीड का मतलब क्या होता है रेट, और केमिकल मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन पहला पॉइंट। दूसरा ब्रेक करूँगा मैं डिफिनेशन को, दूसरा पार्ट है कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर जैसे कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ कैसे इन्फ्लुएंस करेगा किसी रिएक्शन को, हम लोग
केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो होप आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को क्यों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ओके सो नाउ विल सो फाइनली विल सी स्पीड दैट इज़ अ रेट। सो अगर हम लोग सिर्फ रेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेट तो नाउ आई एम गोइंग टू कैटेगराइज रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। रेट के हिसाब से क्या बोलते हैं, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब है कि अपने को बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत असिस्टेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, खुद हो जाएगा और काफ़ी स्पीड से होगा। तो जनरली यहाँ पे कैसे रिएक्शंस होते हैं, दैट इज़ आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा, दिस विल गिव यू NaCl प्लस वाटर, आयनिक रिएक्शन। सम प्रेसिपिटेशन वाले रिएक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, दिस विल गिव यू AgCl प्लस NaNO3। तो ऐसे रिएक्शन काफ़ी फास्ट, काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से एक्चुअली रिएक्शन है ही नहीं। वहाँ पे अपने को या तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी या टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर, दिस इज। अब ये लिखना रिएक्शन बहुत सिंपल है, बट नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी जनरली हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन मानते हैं। नाउ थर्ड टाइप देखेंगे, दैट इज रिएक्शन दैट हैपेंस विद मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट के साथ जो रिएक्शंस होता है मींस नॉट वेरी फास्ट नॉट वेरी स्लो, और इसी में मैक्सिमम रिएक्शन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल विल सी द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अगर डिकम्पोज हुआ तो इट विल फॉर्म 2H2O प्लस ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अगर डिकम्पोज हुआ तो इट विल गो टू 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन। सो ये कैटेगरीज है। अब क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली यहाँ से कि ये रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट रेट है। तो इसका कोई पैरामीटर्स नहीं होता है कि कैसे कैटेगराइज करोगे कि रिएक्शन बहुत फास्ट है। अपने को जनरली याद ही रखना होता है हम लोग। और यहाँ पे एक ट्रिक देख सकते हो कि अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, तो हम लोग मानेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट होगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो मॉडरेट रेट, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे जाने की रिएक्शन तो फिजिबल नहीं है, वेरी स्लो रिएक्शन। बट यहाँ पे ऐसा 100% कोई ऐसा कंक्लूसिव प्रिंसिपल नहीं है जो कि बताएगा कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। ओके सो हम लोग ने रिएक्शंस को देख लिया, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि पूरे चैप्टर का क्रक्स है। एक्चुअली पूरे चैप्टर में हम लोग यही चीज़ डील करेंगे, एंड दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, कभी कभी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शंस जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेट का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल स्पीड, फिजिक्स से अगर हम लोग देखें तो स्पीड इज़ व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम टेकन। तो यही थोड़ा बहुत रिलेटेड है केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल तो नहीं बोल सकते कि रिएक्टेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्रोडक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उस टर्म में बात नहीं करते। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिएक्टेंट है
वो कितने कितना टाइम में कितना कन्वर्ट हुआ, या प्रोडक्ट कितने टाइम में कितना बना, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन सिंपली। कि रिएक्टेंट कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाया, या प्रोडक्ट कितना बना इन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन करते हैं कहते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लिखने के लिए जस्ट डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेजिग्नेटेड स्पीसीज। डेजिग्नेटेड स्पीसीज ए बुक का डेफिनेशन, एक्चुअली डेजिग्नेटेड स्पीसीज का मतलब है इसमें आप या तो रिएक्टेंट ले सकते हो या प्रोडक्ट ले सकते हो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। मीन्स क्या है कि रेट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेजिग्नेटेड स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल है समझने के लिए कि रिएक्टेंट किस रेट से चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट किस रेट से बन रहा है, इसी को हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं हम लोग। नाउ अब जैसा कि हम लोगों ने डेजिग्नेटेड स्पीसीज देखा, तो रेट लिखने का दो तरीका है अपने पास। एक तो रिएक्टेंट के बेसिस पे लिखिए या दूसरा प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखिए। तो अगर अपने को रिएक्टेंट के बेसिस पे देखना होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू दैट इज चेंज इन चेंज के लिए डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट एंड कितने टाइम में चेंज हुआ। ओके, उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपने को प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखना है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जो भी अपना प्रोडक्ट है और डेल्टा टी। हम लोगों ने जो रिएक्शन कंसीडर किया है, ये रिएक्शन कंसीडर किया है आर से पी जा रहा है, दिस इज राजस्थान टू पटना, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कंसीडर किया। अब एक कन्वेंशन है कि केमिस्ट्री में रेट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, हम लोग हमेशा रेट को पॉजिटिव मानना होता है। तो अगर आप देखोगे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अगर आप देखोगे दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो रेट क्या जाएगा, निगेटिव होगा। बट हम लोग रेट को निगेटिव नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या डालते, माइनस। तो हमेशा जब भी रिएक्टेंट के हिसाब से रेट लिखना होता है, अपने को क्या पुट करना होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना होता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एज रेट। अब कभी कभी जस्ट क्वेश्चंस के लिए अपने को यूनिट पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। बहुत सिंपल है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर यूनिट अपने को देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर यूनिट अपने को देखना है तो यूनिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी रेट आप लिखते हो तो यूनिट लिखने का मतलब क्या, यूनिट अगर हम लोग लिखे तो क्या होगा, दैट इज मोल्स पर लीटर। ये क्या क्यों लिख रहा है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम, सो दिस इज द यूनिट। अगर आप तो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का। इसको आवर्स में, टाइम को आप आवर्स में ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। एक चीज़ सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट जो होता है रिएक्शन पे डिपेंडिंग करता है। जैसे मान लो अगर आपने कोई भी रिएक्शन लिया, तो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर या H2O2 का डिकम्पोजिशन, वो यूनिट जो है रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग
रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, ओनली गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे केस में हम लोग मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, प्रेशर चेंज के हिसाब से रेट लिखते हैं। तो रेट अगर वैसे केस में अपने को लिखना है तो रेट क्या हो जाएगा, दैट इज़ चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस केस में अगर यूनिट अपने को लिखना है तो यूनिट क्या हो जाएगा, दिस इज़ ATM पर यूनिट टाइम। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि वाई वी रीड केमिकल काइनेटिक्स, ज़रूरत क्या है, काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, काइनेटिक्स का मीनिंग है स्पीड, दैट इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइप्स के रिएक्शंस होंगे। तो हम लोग ने वहाँ पे देखा दिस इज़ वेरी स्लो, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मॉडरेट रेट। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका देखा हम लोग ने, दो मेथड्स देखा। क्या मेथड्स था कि पहला कि रिएक्टेंट के हिसाब से लिखिए, दैट इज़ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या प्रोडक्ट के हिसाब से लिखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लीजिए, अब इस पर कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल्स हम लोग किस तरह के इस पे लेंगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द गिविंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सब लोग ट्राई कर सकते हो। क्या दिया हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के साथ जो रिलेशन है इसका क्या है, 2 − 3t − 5t²। और यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या मीनिंग होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, dC/dt, dC/dt। अब dC/dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस कम्स टू, और अपने को माइनस साइन लेना पड़ेगा तो यहाँ भी माइनस साइन लेना, तो ये क्या हो जाएगा, +3, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10t, 10t। अब ये हो गया, सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो t इक्वल्स टू 0 पे बोला है, तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या करेंगे, टाइम को 0 रख देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने बोला कि टाइम t इक्वल्स टू 2 पे निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, t का वैल्यू 2 रख देंगे तो 10 × 2 डैट इज 20 + 3 = 23। तो इस तरह से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स है। अभी तो ये जस्ट मेंस या CET लेवल पे ऐसा पूछा जा सकता है, हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स कंसिडर करते हैं हम लोग ना। तो ये हो गया बहुत बेसिक हम लोग ने देखा ना। नेक्स्ट विल सी कि अगर अपने को रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर कोई दिया हुआ है तो उनके बीच में रेट का क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ, दैट इज 2A + 3B टू गिव यू 4C + 5D। ओके, तो पूरा डिराइव करेंगे हम लोग। मान लीजिए टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 0 पे अगर ये ए है, ये बी है और ये 0 0 है, सो टी इक्वल्स टू अगर कोई टाइम ले अगर हम लोग,
टी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस टू एक्स, दिस इज बी माइनस थ्री एक्स, एंड दिस इज फोर एक्स, एंड दिस इज 5x। ओके, तो अगर अपने को रेट लिखना है, रेट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ए, दैट इज रेट ऑफ कंजम्पशन यू कैन से ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। ओके, उसी तरह से ये आप बोल सकते हो, दिस कम्स टू टू एक्स अपॉन टी। ओके, और दैट इज, तो क्या बोल सकते, दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन टी बोल सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स बाय टी। ये बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे उसी तरह से हम लोग रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी लिख सकते हैं, देन वी कैन से रेट विथ रेस्पेक्ट टू सी लिख सकते हैं, रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी लिख सकते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन के शो कर रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। मैंने कैलकुलेट कर दिया है, अब देखोगे पूरा वहाँ पे दिखाया हुआ कि अगर आप देखोगे, और अगर मैं बोलूँ कि दिस इज रेट ऑफ बी एक्स दैट इज, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इज माइनस वन बाई टू डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू वन बाई फोर डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू वन बाई फाइव अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स बाई टी, एक्स बाई टी। सो ये फाइनली अगर आप देखोगे कि कोई भी रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, उसका चेंज और अगर उसके कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में सभी इक्वल आता है। सो अब नाउ वी विल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिसाइड द रेट। तो ये जो टर्म मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह से वन बाई थ्री चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड सेकेंड इज वन बाई फोर दैट इज अपेरेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। जैसे अब मान लो अगर कोई भी एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अल्फा ए प्लस बीटा बी टू गिव सी प्लस डेल्टा डी मान लो, और इस रिएक्शन का अपने को रेट लिखना है, तो रेट हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी कोएफिशिएंट होगा, जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको क्या यहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देंगे, और ये रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, एंड वी राइट दिस इज डी ए अपॉन डी टी। उसी तरह से दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा डी बी अपॉन डी टी, ये भी माइनस होगा बिकॉज रिएक्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल्स टू
1 upon amma dc upon dt that is equals to 1 upon, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखेंगे बिकॉज ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो बहुत सिंपल होता है कोई भी रेट लिखना विथ रेस्पेक्ट। तो ये क्या है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज जनरल रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, लेमडा एक रिएक्शन दिया हुआ बैलेंस रिएक्शन है, तो 1 अपॉन लेमडा अपॉन डी अपॉन डी टी एंड सोन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, एन टू प्लस 3H2 टू गिव यू 2NH3। नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। अगर इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। दिस इज इक्वल्स टू, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 डी ऑफ H2 अपॉन DT। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डी चेंज दैट इज NH3 अपॉन। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत हम लोग सिंपली इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ये भी यूज़ किया जाता है बहुत टाइम, बहुत बार रिएक्शन यूज़ किया जाता है, ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो रेट मान लीजिए कि अगर अपने को डी अपॉन डी टी दिया हुआ है तो रेट निकालना है, या डी बी अपॉन डी टी दिया हुआ है तो डी सी अपॉन डी टी क्या होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी क्या होगा। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से जो हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसका रेट लिखना है अपने को, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। अगर कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो रेट लिखने का कोई मीनिंग नहीं। तो मीनिंग क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स देर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बैलेंस रिएक्शन, बट रेट ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस मीनिंग यहाँ पे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। सिर्फ अगर रिएक्टेंट के कंजम्पशन या प्रोडक्ट के अपीयरेंस की बात करेंगे तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते। जैसे एक हम लोग अब न्यूमेरिकल से देखेंगे हम लोग, ओके तो सब लोग प्लीज़ सॉल्व करोगे, थोड़ा 2 मिनट 30 सेकेंड्स देंगे सॉल्व करने के लिए, सब लोग सॉल्व करेंगे। सो ए विल सी दिस इज अ न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2 इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज 1.5 × 10⁻³ मोल्स पर, देन कैलकुलेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, दिस इज N2 अपॉन DT, इसका क्या दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻³, दिस इज ये वैल्यू दिया हुआ है। सो अपने को बोला गया है देन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए 30 सेकेंड का टाइम है, सब लोग प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए।
Okay, so I can wait on this, maximum लोगों का आंसर गलत आया होगा. सो हमने क्या किया होगा, रिएक्शन लिखा होगा एन टू प्लस एच टू टू गिव टू एन एच थ्री और वन बाई टू दिस इज करके आपने कैलकुलेट कर दिया होगा. बट इस रिएक्शन का अगर आप आंसर देखोगे रेट कांट बी कैलकुलेटेड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अपने को किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है. अब जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लो आप रिएक्शन लिखते हो वन बाई टू एन टू नहीं, ओके. सो अगर रिएक्शन है तो मीनिंग क्या है कि इसके कोएफिशिएंट जानना बहुत ज़रूरी होती है कि कोएफिशिएंट क्या है. रिएक्शन नहीं दिया हुआ उसको, अगर रिएक्शन दिया हुआ तो उसको बैलेंस करने का बहुत तरीका होता है. जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आप अगर लिखते हो एन टू प्लस थ्री एच टू टू गिव टू एन एच थ्री, दिस इज़ अ बैलेंस रिएक्शन. अगर इसके हिसाब से आप रेट निकालोगे तो ये आएगा. बट अगर रिएक्शन को मैं ये लिख दूँ वन बाई टू एन टू प्लस थ्री बाई टू एच टू टू गिव टू एन एच थ्री, दैट इज एन एच थ्री ओनली. अगर ये लिखता हूँ मैं, ये भी एक बैलेंस रिएक्शन है. तो अगर यहाँ से अगर आप रेट निकालते हो तो रेट क्या आएगा, 1.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री. अगर यहाँ से रेट निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, दैट इज नॉट 2 इंटू, दैट इज हाफ 2. सो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा. मतलब अगर रिएक्शन चेंज कर रहे हो, बैलेंस करने का कोएफिशिएंट चेंज कर रहे हो, तो रेट अलग अलग आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन का रेट नहीं कहें. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर अपने को रेट निकालना है तो अपने को बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए. अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो डाटा विल बी इनसफिशियंट, वी कैन नॉट कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको फंसा सकते हैं जेई वाले या मेडिकल में ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है. तो ये हो गया, रेट के बारे में हम लोग ने डील कर लिया. अब विल सी दैट इज टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइप ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे रेट अगेन किससे रिलेट किया, मैंने रेट को मैंने रिलेट किया है स्पीड से. तो स्पीड क्या होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पीड. अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में, अगर आपको याद हो, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं. तो यहाँ भी रेट में वी हैव टू टाइप्स, एक होता है दैट इज कॉल एज एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड, जैसे हम लोग एवरेज एवरेज रेट, एवरेज रेट की बात करते हैं हम लोग. ओके, सो एवरेज जब स्पीड की बात करते तो क्या कैसे कैलकुलेट करते थे कि एक पार्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया गया, आप निकालिए एवरेज स्पीड क्या है. तो यहाँ पे भी है कि एक लॉन्ग इंटरवल के लिए जब हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में जो आता है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट. अगेन इंपॉर्टेंट इज, एक लॉन्ग इंटरवल के लिए हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट इंटरवल के लिए नहीं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट. मतलब एक लंबे टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया इन दैट इंटरवल, विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज रेट. तो जैसे मान लीजिए अगर कोई मैं रिएक्शन लिखता हूँ ए टू बी, अगर ए टू बी लिखता हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज
रेट की अगर हम लोग बात करें, एवरेज रेट की बात करें, तो क्या होगा, दिस इज डेल्टा, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज टी, और उसी तरह से डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए को क्या लिख सकते हो आप, कि एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या है, फिर दूसरे टाइम पे क्या है, इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज T1, उसी तरह से डेल्टा टी आप क्या लिख सकते हो, दिस इज T2 माइनस T1, बहुत सिंपल है। तो कंसंट्रेशन का क्या चेंज हो रहा है, एक पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, पार्टिकुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। अगर इसको अपने को ग्राफ के हिसाब से अगर देखना है, तो मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से मैं प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, डोंट वरी। तो अगर इस तरह से मैं प्लॉट कर रहा हूँ, कोई पॉइंट लिया मैंने, ओके, अगर अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लिया हम लोग ने, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन लिया, और यहाँ पे दिस इज टाइम। तो ग्राफ अगर करेंगे तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हो, तो रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है, कम होते जाएगा। तो मान लीजिए एक टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पे लिया और एक टाइम इंटरवल यहाँ पे लिया, तो अगर अपने को ये पार्टिकुलर, मान लीजिए दिस इज ये जो कॉन्सनट्रेशन है और एक ये कॉन्सनट्रेशन है, इसको अगर लेट सपोज C2 बोला आपने, और इसको C1 बोला है, और इसको T1 बोला है, और इसको T2 बोला है फॉर एग्जांपल, तो एवरेज रेट अगर देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बहुत सिंपल है। तो कोई भी टाइम दे, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एवरेज रेट। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एवरेज रेट का मतलब होता है एक लॉन्ग इंटरवल के लिए आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। नाउ द सेकेंड इज, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंट टेंट इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, अब इंस्टेंटेनियस रेट नाम से पता चल रहा, हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर इंटरवल पे निकालें, पार्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, जैसे आपको बोला गया कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ 0 टाइम पे, और 5 मिनट पे उसका रेट क्या है, या 10 मिनट पे रेट क्या है, तो ये जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब अगर अपने को डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस रेट, तो कैसे लिखेंगे, अगर डेफिनेशन अगर देखना है, तो क्या हो जाएगा, उस समय हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ले रहे हैं, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। और इसको थोड़ा अलग से लिखने के लिए हम लोग छोटे इंटरवल लिया, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, डी ए अपॉन डी टी। ओके, सो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, अगेन ग्राफ पे भी हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ से कैसे हम लोग, अगर इंस्टेंटेनियस रेट अगर अपने को देखना है ग्राफ पे, तो ग्राफ पे भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट किया मैंने इस तरह से, मान लीजिए एक है, और एक रिएक्शन आपने जो किया इस तरह से कोई आ रहा है, तो अपने को अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन है लेट सपोज, और ये क्या है, टाइम है। अगर अपने को एक इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर टाइम पे, तो
कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा दैट दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा इसका क्या मतलब है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए टेंजेंट का मतलब है, मान लीजिए इस पॉइंट पे थोड़ा ग्राफ ये हो सकता है बट ध्यान दें, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल है। तो कभी भी ऐसा पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि रेट क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है, बिकॉज रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, सो नाउ विल टेक वन क्वेश्चन अगेन, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन और सबको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आई विल गिव यू 45 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 सॉल्यूशन एट, NCERT का क्वेश्चन है, एट 318 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन दिस एंड आफ्टर इतना इट इज रिड्यूस टू दिस। ओके, सो आपको रेट निकालना। एक और मेरे तरफ से एक और क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ड्यूरिंग दिस टाइम, मीन्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ड्यूरिंग दिस टाइम आपको निकालना है, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है। कैलकुलेट कीजिए प्लीज़। ओके, सो देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब लोग मैच कराइएगा आंसर। सो 2N2O5, तो रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, 2N2O5 विल गिव यू 4NO2 प्लस ऑक्सीजन और रेट निकालना है। तो अगर इसका अपने को लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 दैट इज हाफ, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी यू कैन से N2O5 और यू कैन से डेल्टा अपॉन टी इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू दे रखा है, N2 इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब T इक्वल्स टू 0 पे N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एंड एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है आफ्टर 184 मिनट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा है। तो अगर अपने को डेल्टा N2O5 अगर चाहिए, सो डेल्टा N2O5 क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे दिस इज कॉन्सेंट्रेशन तो कितना आ जाएगा, दिस इज
दिस इज नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं हम लोग बिकॉज अपने को पॉजिटिव रखना है, तो क्या हो जाएगा 2.08 माइनस 2.33, ये वैल्यू आ जाएगा। ओके अब रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब है रेट अगर अपने को निकालना है तो क्या चाहिए, दिस इज़ माइनस हाफ मतलब माइनस दिस इज डेल्टा, विल सी दिस इज माइनस हाफ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी ही चाहिए होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा माइनस हाफ 2.08 माइनस 2.33। अब आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं 184, सिर्फ ध्यान रखेंगे ये मिनट में कैलकुलेशन किया है तो यूनिट भी क्या आ जाएगा मिनट में 68 इंटू कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं मोल्स लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, तो सिर्फ ध्यान रखेंगे यूनिट ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पूछा है दैट इज़ व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो अगर आप देखोगे ऊपर अगर आप इक्वेशन देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये अगर आप टर्म देखोगे, ये टर्म की अगर हम लोग बात करें तो क्या है 1/4 इज डी NO2 अपॉन D2, मतलब 4 को रेट ऑफ रिएक्शन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो विल गेट द डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम, तो ये करेंगे सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर दिस इज डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी अगर लिखेंगे दिस इज व्हाट 4 इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन एंड सिंपली अगर आप करोगे दिस इज 4 इंटू 0.68 इंटू 10^-3 एंड दैट्स कम्स टू कैलकुलेशन, आप कर सकते हो, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है आप कैलकुलेशन में, ये बन जाएगा दिस इज मोल्स लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस तरह से तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक टर्म दे दिया जाएगा और बाकी टर्म्स अपने से पूछा जाएगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विल सी इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो जैसे पहले मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे दैट इज द सो टेम्परेचर, ओके थर्ड कैटलिस्ट, फोर्थ अगर हम लोग देखें दैट इज सरफेस एरिया, तो ऐसे बहुत सारा फैक्टर्स है दैट इज 3-4 इस तरह से कर सकते हैं, 5 वी कैन से प्रेशर, कंटेनर का प्रेशर क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे रेडिएशन, कभी जो फोटो केमिकल रिएक्शन होता है तो रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है, उसका रेट डिपेंड करेगा कभी कभी, और जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें अगर हम लोग, सो वी हैव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलारिटी चेक करने के लिए कि मीडियम पोलर लिया है नॉन पोलर लिया है, इस पे भी रेट डिपेंड करेगा अपने को। देन आपने बहुत बार देखा होगा कि रिएक्शन जो होता है पीएच पे, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि मीडियम का पीएच क्या है, उस पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। एंड एसिड, यहाँ पे जनरली ऐसा रिएक्शन लेते हैं हम लोग एसिड बेस वाले रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। सो ये दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर्स है। पहला कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जैसे जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा बोला जाता है जनरली कि अगर आप 10
कैल्विन राइज करोगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। अगर आप किसी भी इस पे हम लोग पूरा डिटेल में करने वाले हैं आगे का लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हाउ दैट टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट होगा, प्रेशर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन एंड ऑल्सो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे हम लोग। ये सब चीज़ें जो है दैट विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके नाउ एक और टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज फाइनली एक पार्ट हम लोग कवर ही कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेट कांस्टेंट क्या बोलता है, देखो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी रेट होगा, रेट को हम लोग किस तरह से बोलेंगे, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट ऑर्डर। ये चीज़ ऑर्डर क्या होता है ये बाद में जाके हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ मैं और कोई भी प्रोपोर्शनल अपने को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेट दैट इज़ इक्वल्स टू के दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। और यही जो यहाँ पे के आया है दिस इज कॉल एज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसका बहुत सारा नाम है, इसको या तो आप रेट कांस्टेंट बोल सकते हो या तो आप इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप, या तो इसको आप स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हो। ये तीन नाम दिया क्या है, तो अगर अपने को डिफाइन करना है रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट का कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। मान लीजिए कि अगर इस टर्म को आपने वन ले लिया तो रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट टेकन एज यूनिटी, मीन्स अगर आप ऐसे लिखते हो तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूनिटी लेने का मतलब है वन ऑर्डर, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, दिस इज के। सो दिस इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। तो ये डिफिनीशन है, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना होगा ये रेट कांस्टेंट। इस पे अगेन जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा टॉपिक इस पे है अपने पास कि के टेम्परेचर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कि और कौन कौन से पैरामीटर्स है जो के को इन्फ्लुएंस करेगा, तो जस्ट थोड़ा सा कि के का व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। कि ऑब्वियसली बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, मीन्स के जो होता है दैट इज के एक पार्टिकुलर रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है, अगर आपने रिएक्शन चेंज कर दिया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एट ए फिक्स टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कॉन्स्टेंट एंड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। मतलब इसका क्या मीनिंग है, के इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर इफ रिएक्शन इज फिक्स्ड। इफ यू चेंज द रिएक्शन सॉरी इफ यू चेंज द टेम्परेचर के विल चेंज। फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है एक्चुअली, जैसे आपने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए टू द पावर टू और आपको बोला गया, तो यहाँ से आप के इक्वल्स टू क्या निकालिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए, ऐसे लिख लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि एक पार्टिकुलर सी वन पे के की वैल्यू क्या है और सी टू पे के की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, वैल्यू इक्वेशन में डालोगे और दो अलग अलग के निकालोगे, बट दैट विल बी ए रॉन्ग, बिकॉज के जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो के इज़ ए कॉन्स्टेंट विच ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट्स मैं पोस्ट कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, एनसीईआरटी एंड जो मैंने पीडीएफ भेजा है सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू।